बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूवर, वेलकम टू द मेडिकल वर्ल्ड। व्यूवर, आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। सो व्हाट इज़ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या है? बेसिकली एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हमारे साथ वही ड्रग्स होते हैं जो हाई ब्लड प्रेशर को कम कर देती है, लो कर देती हैं। तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं, सबसे पहले इसको हम डिवाइड कर देते हैं तीन क्लासेस में। सबसे पहला क्लासेस है हमारे साथ रिनिन, दूसरा क्लास है हमारे साथ अल्फा वन, तीसरा क्लास हमारे साथ है बीटा वन। जो रिनिन है बेसिकली इसको हम फर्दर क्लासिफाई कर देते हैं तीन क्लासेस में। एक है हमारे साथ एंजियोस्टेटिन टू, दूसरा हमारे साथ है एल्डोस्टेरोन, तीसरा हमारे साथ है सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। जो अल्फा है, अल्फा को हम फर्दर डिवाइड करते हैं वेस्कुलर रेजिस्टेंस। जो बीटा वन है, फर्दर इसको हम रखते हैं और डिवाइड कर देते हैं कार्डियक आउटपुट के लिए, इसको हम यूज़ कर देते हैं कार्डियक आउटपुट के लिए। अब आगे आते हैं बीटा ब्लॉकर की तरफ। सो व्हाट इज़ बीटा ब्लॉकर? बीटा ब्लॉकर क्या होती हैं? सो बीटा ब्लॉकर ड्रग्स जो है बेसिकली एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है। इसको हमने डिवाइड किया है दो क्लासेस में। जो पहला क्लास है हमारे साथ सेलेक्टिव, दूसरा हमारे साथ है नॉन सेलेक्टिव। जो सेलेक्टिव है बेसिकली इसमें हमारे साथ आती है एटीनोलोल, जो दूसरा है उस सेलेक्टिव में आता है हमारे साथ मेटोप्रोलोल। जो नॉन सेलेक्टिव में हमारे साथ आती है उसमें एक है हमारे साथ लेबिटालोल, जो दूसरा है हमारे साथ कैरविडिलोल। जो सिलेक्टिव है बेसिकली ये हमारे साथ जो है ह्यूमन बॉडी के ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार है उसको कम कर देती है, और इसके साथ साथ जो नॉन सिलेक्टिव है बेसिकली ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी कम कर देती है, और इसके साथ साथ जो वेस्कुलर रेजिस्टेंस होती है उसको भी कम कर देती है। और इसके साथ साथ हमारे साथ जो रिनिन की रेशियो है बेसिकली बॉडी में आपके ब्लड में उसको भी कम कर देते हैं। जो एंजियोस्टेटिन टू जो है वो भी कम कर देते हैं, उसकी क्वान्टिटी जो है वो भी गिर जाती है। जो एल्डोस्टेरोन है उसकी क्वान्टिटी, उसकी मकदार भी गिर जाती है, और इसी तरह हमारे साथ जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाता है? नॉर्मल हो जाता है। आगे डिस्कस करेंगे कैल्शियम ब्लॉकर। कैल्शियम ब्लॉकर में हमारे साथ बेसिकली टू टाइप्स के ड्रग्स आती है। एक है हमारे साथ डाइहाइड्रोपाइरिडीन, जो दूसरा है हमारे साथ उसमें हमारे साथ है नॉन डाइहाइड्रोपाइरिडीन। जो डाइहाइड्रोपाइरिडीन है बेसिकली इसमें हमारे साथ फर्दर जो कि जो क्लासेस आते हैं उसमें हमारे साथ है फर्दर जो ड्रग्स हम इसमें यूज़ कर देते हैं कैल्शियम ब्लॉक चैनल की ब्लॉकिंग के लिए, वो एक है हमारे साथ डाइहाइड्रोपाइरिडीन की जो टाइप्स है उसमें सबसे पहला जो है एम्लोडिफाइन, उसके बाद जो डाइहाइड्रोपाइरिडीन की जो दूसरा टाइप्स है फिलोडिफाइन, उसके बाद नाइकोडिफाइन, उसके बाद नाइफिडिफाइन। जो नॉन डाइहाइड्रोपाइरिडीन ड्रग्स है बेसिकली जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया कि हमारे साथ कॉन्ट्रैक्टिलिटी की जो बेसिकली उसको कम कर देती है, हार्ट रेट जो है उसको कम कर देती है, दूसरा जो हार्ट कंडक्शन है ब्लड के ट्रांसफ्यूजन जो है उसको भी कम कर देते हैं। तो इस तरह की ड्रग्स जिसकी कम इस तरह की एक्टिविटीज़ को कम करने के लिए जो ड्रग्स हम यूज़ कर देते हैं उसमें सबसे पहले हमारे साथ है डिल्टाइजियम, इसके साथ जो दूसरा ड्रग है वो हमारे साथ क्या है वीराफेमिल। आगे डिस्कस करेंगे ड्रग स्ट्रेटजी यानी ड्रग की हिकमत आमली। तो बेसिकली ड्रग जो है बॉडी में हमारे साथ जो हिकमत आमली इसकी होती है, सबसे पहले ये टेम्परेचर रेजिस्टेंस यानी टेम्परेचर को कम कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को कम कर देते हैं, बॉडी फ्लूड की जो वॉल्यूम के जो अमाउंट है वो उसको भी कम कर देते हैं, ब्लड प्रेशर जो है बेसिकली उसको बैलेंसिंग कंडीशन में लाते हैं, उसको रेगुलेट कर देते हैं। इसके साथ साथ जो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया है बॉडी में जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी है इसको इंक्रीज कर देती है, एडिमा को भी इंक्रीज कर देती है, एडिमा जो है बेसिकली उसको भी रेगुलेट कर देते हैं, और इसमें जो रिनिन एक्टिविटीज़ जो होती है उसको भी क्या कर देते हैं इंक्रीज कर देते हैं। आगे डिस्कस कर देते हैं डायूरेटिक ड्रग्स। तो डायूरेटिक ड्रग्स जो है बेसिकली हम तीन क्लासेस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो क्लास है हमारे साथ लूप, उसको लूप जो है बेसिकली उसमें जो ड्रग्स हम यूज़ कर देते हैं उसको हम क्या कहते हैं फ्यूरोसिमाइड। जो डायूरेटिक दूसरा क्लास है वो हमारे साथ क्या है थायजाइड। थायजाइड में जो ड्रग्स हम यूज़ कर देते हैं उसको हम क्या कहते हैं हाइड्रोक्लोरोथायजाइड। इस तरह तीसरा क्लासेस जो हमारे साथ है वो हमारे साथ है पोटाशियम स्पेसिंग, और उसको इसमें जो ड्रग्स हम यूज़ करते थे हमारे साथ क्या है त्रायमिथ्रिन। इसके साथ जो दूसरे हमारे साथ स्पिरोमोलैक्टोम
आगे डिस्कस करेंगे एंजियोस्टेटिन जो बेसिकली लीवर से रिलीज होती है, ये ड्रग जो हमारे साथ क्या कर देती है, ये हार्मोन हमारे साथ जारी रखते हैं किस चीज़ के थ्रू, बाय अल एलिस क्रीन रिनेन किडनी, यानी जो किडनी से रिनेन रिलीज होते हैं बेसिकली उससे वो जो है एंजियोटिन बेसिकली उसको रेगुलेट कर देते हैं लीवर से, सॉरी एंजियोस्टेटिन ये एंजियोटेंसिनोजेन जो है बेसिकली उसको रेगुलेट कर देती है लीवर से। और ये किस चीज़ की हेल्प के थ्रू होते हैं, बेसिकली ये किडनी से रिनिन की एलिस्क्रीन रिनिन की रिलीजन की रिलीज के थ्रू की हेल्प के थ्रू ये होते हैं बेसिकली। और ये पर्दर जो है बेसिकली इसके साथ हमारे जो साथ जो एंजियोटेंसिन वन जो है और एंजियोटेंसिन टू जो है दोनों जो है बेसिकली इसके साथ साथ पर्दर ये भी रिलीज होते हैं। जो एंजियोटेंसिन वन है ये हमारे साथ क्या कर देते हैं, बेसिकली ये हमारे साथ ब्लॉक बंद कर देती है, बंद हो जाते हैं बाई ACE इनहिबिटर से। और ये हमारे साथ क्या कर देता है, बेसिकली एंजियोटेंसिन वन हमारे साथ कन्वर्ट कर देता है एंजाइम को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी एग्जांपल हमारे साथ ब्रेडिकाइनिन को हमने पहले हमारे साथ एक्टिवेट है, इसके बाद ये क्या हो गया इनएक्टिवेट कंडीशन में चला गया। जो एंजियोटेंसिन टू है बेसिकली हमारे साथ इसके पर्दर दो प्रोसेस में यूज़ होता है, एक है हमारे साथ एड्रिनल कॉर्टेक्स, दूसरा हमारे साथ है ब्लड विजल। एड्रिनल कॉर्टेक्स में हमारे साथ एल्डोस्टेरोन सेक्रेशन की जो अमाउंट जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा कर देती है, जो वैसे कॉन्स्ट्रक्शन है उसको रेगुलेट उसको जारी रखती है। आगे डिस्कस करते हैं इसकी जो ड्रग्स है बेसिकली जो ड्रग्स यूज़ होती है एंटी हाइपरटेंसिव कंडीशन में वही डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले जो क्लास है हमारे साथ ACE जो, इसके बाद केफ्टोफ्रिल्स है, इसके बाद हमारे साथ लिजिनोफ्रिल्स है, इसके साथ जो दूसरा है हमारे साथ फ्रिल्स जो है बेसिकली इसके फैमिली के जो नाम्स हैं किस्टिव एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की फैमिली के नाम है। और ये जो है ये इंफॉर्मेशन को ब्लॉक कर देती है किस चीज़ के लिए, एंजियोटेंसिन टू के लिए। और ये रिजल्ट देती है हमारे साथ किस चीज़ के प्रिवेंशन में, 81 रिसेप्टर की प्रिवेंशन की स्टिमुलेशन के प्रिवेंशन के नतीजे में ये हमारे साथ क्या देती है रिजल्ट देती है। और बेसिकली ये कब जारी होती है, जब एंजियोटेंसिन इंफॉर्मेशन जो एंजियोटेंसिन टू की जो ब्लॉक फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो जाते हैं। और इसके साथ साथ ये बेसिकली इसमें हमारे साथ एल्डोस्टेरोन की जो वैल्यूज है जो क्वांटिटीज़ है वो गिर जाती है, और इसके साथ वैसे डाइलेशन जो है वो भी कम हो जाते हैं। जो ACE है बेसिकली ये प्रिवेंट कर देता है, किस चीज़ को प्रिवेंट कर देता है, ब्रेडिकिनिन को, किस से बेसिकली ब्रेडिकिनिन को प्रिवेंट कर देता है कि ये हमारे साथ डिग्रेड ना हो जाए। इसके बाद जो ARBS है बेसिकली इसमें हमारे साथ कौन से ड्रग आते हैं, इसमें जो ड्रग्स हमारे साथ आते हैं हमारे साथ कौन सा है, लोसार्टेन बेसिकली सार्टेन जो है इसकी फैमिली के नाम है, और ये क्या कर देती है बेसिकली ये ब्लॉक कर देती है 81 रिसेप्टर को। और इसके साथ ये सेम रिजल्ट देती है किस चीज़ में, ACE जो है बेसिकली ये ब्लड प्रेशर मैकेनिज्म में भी जो है बेसिकली इससे ब्लड प्रेशर मैकेनिज्म के में भी ये ब्लॉक कर देते हैं 81 रिसेप्टर को, और इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर जो है वो रेगुलेट हो जाता है और वो जो है नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। ARBS जो है बेसिकली हमारे साथ मुदाखलत नहीं करती किस चीज़ में, ब्रेडिकाइनिन की डिग्रेडेशन में, ब्रेडिकाइनिन की डिग्रेडेशन में ओनली और ओनली कौन से ड्रग्स जो है कौन सी क्लास जो है ACE जो है बेसिकली वो मुदाखलत कर देती है और उसको जो है ब्रेडिकाइनिन की जो डिग्रेडेशन है उसको रोक देती है। आगे डिस्कस करेंगे रिनिन इनहिबिटर में बेसिकली हमारे साथ कौन सी ड्रग्स आती है, एलिस्क्रीन जो है बेसिकली ये एंजियोटेंसिन वन की जो फॉर्मेशन है उसको ब्लॉक कर देती है, और इसके साथ साथ ये सेम रिजल्ट देती है जिस तरह की ACE जो है वो ब्लड प्रेशर मैकेनिज्म में रिजल्ट देता था। एलिस्क्रीन जो है बेसिकली हमारे साथ मुदाखलत नहीं करती ब्रेडिकाइनिन की डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करने या उसके को जारी रखने में ये कोई मुदाखलत नहीं देती। इसके इस्तेमाल जो है बेसिकली ये हम शदीद से लेकर जो मॉडरेट हाइपरटेंशन है ये दोनों में इन दोनों कंडीशन में हम कर सकते हैं। इन ऊपर वाली जो तीन क्लासेस की ड्रग्स हमने डिस्कस की इन दोनों कंडीशन में हम कर सकते हैं। दूसरा ये हमारे साथ जो प्रोडक्ट कर देते हैं क्या प्रोडक्ट कर देते हैं, जो डायबिटिक नेफ्रोपैथी है ACE की और ARBS की उस दोनों को प्रोटेक्ट कर देते हैं। आगे डिस्कस करेंगे इसके जो साइड इफेक्ट होती है इन ड्रग्स की बेसिकली सबसे पहले साइड इफेक्ट है हमारे साथ क्या है वो उसका ड्राई कप है, इसके बाद हाइपर
किलीमिया है, इसके साथ साथ जो अक्यूट रीनल फेलर है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में, इसके साथ साथ जो एंजियोडीमा है बेसिकली वो क्या है, इस ड्रग्स की साइड इफेक्ट में आते हैं। दूसरा, किस कंडीशन में इस ड्रग को पेशेंट को नहीं देना चाहिए, वो हमारे साथ क्या है, प्रेगनेंसी कंडीशन है। इसके बाद डिस्कस करेंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है बेसिकली हमारे साथ, इसमें कौन से ड्रग्स आते हैं, ब्लॉक एल टाइप सी ए कैल्शियम प्लस टू चैनल जो है, जो हार्ट रेट में और ब्लड विजल में जो बेसिकली उनके में ये इन दोनों प्रोसेस की रेगुलेशन और उनके जो प्रोसेस में को जारी रखने में बेसिकली ये जो है ये रिजल्ट और इंटरफेयर कर देती है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है बेसिकली हमारे साथ ब्लॉक करती है एल टाइप कैल्शियम प्लस टू चैनल, जो बेसिकली हार्ट रेट और दूसरी जो ब्लड विजल की होम्योस्टेटिक यानी नॉर्म बैलेंसिंग कंडीशन में और दूसरे उसको स्टिमुलेशन में रिजल्ट देती है। बेसिकली ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो ड्रग्स होती है ये कम कर देती है जो इंट्रासेलुलर कैल्शियम चैनल्स है। दूसरा, ये एक और एक्टिविटीज़ भी कॉज कर देती है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की जो क्वान्टिटी अमाउंट है ह्यूमन बॉडी में उसको भी कम कर देती है। और इसमें हमारे साथ जो ड्रग्स जो होते हैं वो कौन सी है, वीराफामिल, और इसके साथ जो डिल्टाइजिम है, और इसके साथ बेसिकली ये दूसरे जो एक्टिविटीज़ देती है वो क्या है कि ये टेम्परेचर जो बेसिकली उसको भी कम कर देती है। ड्रग्स जो यूज़ होती है इस कंडीशन में कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग की कंडीशन में, हमारे साथ वीराफामिल है, डेल्टाइजिम है, इसके साथ साथ डाइहाइड्रोपाइरिडीन है, डाइपाइन जो बेसिकली इसकी पेमडी नाम है, इसकी जो प्रोटोटाइप से हमारे साथ कौन सा है, नाइफिडिपाइडाइफेन। हार्ट जो है बेसिकली हार्ट की कैल्शियम जनरेट ब्लॉक कर देती है, और इसके साथ साथ ब्लड विजल के लिए जो है तीनों ड्रग्स जो है ये क्या काम कर देती हैं, जो बेसिकली वीराफामिल जो है हार्ट में काम कर देती है, डेल्टाइजिम जो है कैल्शियम चैनल की ब्लॉकिंग में काम कर देती है, डिपाइन जो है ब्लड विजल की कॉन्स्ट्रिक्शन और उसके डायलेशन में काम कर देती हैं। आगे डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ये ड्रग्स हम यूज़ कर देते हैं हाइपरटेंशन के लिए, एंजाइना के लिए, और दूसरा एंटी राइथेमिक्स के लिए। बेसिकली जो ड्रग्स इन क्लासेस से हम यूज़ कर देते हैं वो कमर साइड कौन सा है, वीराफामिल है, और इसके साथ साथ डेल्टाइजिम है। इसकी जो साइड इफेक्ट है वो हमारे साथ कौन सा है, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। इसके साथ साथ जो दूसरा साइड इफेक्ट है वो हमारे साथ क्या है, गिंगिवल हाइपरप्लेशिया। और इसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन के लिए जो ड्रग्स हम इसमें यूज़ करते हैं हमारे साथ वो किस चीज़ के साइड इफेक्ट है, कौन से ड्रग्स के साइड इफेक्ट है कॉन्स्टिपेशन जो कॉज कर देते हैं ह्यूमन बॉडी में, हमारे साथ कौन सा है, वीराफामिल। एंड ड्रग्स की जो बेसिकली वही ड्रग जो बदल कर देती है, चेंजिंग जो लाती है सिंपथेटिक ट्यूट्स में, उसमें हमारे साथ कौन सा जो बीटा ब्लॉकर ड्रग्स है उसकी तरीक़ाकार हैं। उन ड्रग्स की जो साइड इफेक्ट होते हैं, सबसे पहले जो साइड इफेक्ट हम डिस्कस करेंगे उनके ड्रग्स की जो साइड इफेक्ट होते हैं बीटा ब्लॉकर के, उनमें हमारे साथ कार्डियोवैस्कुलर डिप्रेशन है, फैटीग है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन है, जो बेसिकली एलडीएल जो बॉडी में इंक्रीज कर देती है, और इसके साथ साथ जो टीजीएस है उसको भी इंक्रीज कर देते हैं। किस कंडीशन में हमें केयर करना चाहिए और ये बीटा ब्लॉकर ड्रग जो है नहीं लेना चाहिए, वो हमारे साथ अस्थमा, दूसरा वैसोपैथिक डिसऑर्डर, इसके साथ डायबिटिक अल्टरेशन ऑफ ग्लाइसीमिया, और इसके साथ जो बचाव है मास्किंग है बचाव है किसी से टैकीकार्डिया और ड्यू टू हाइपर ग्लाइसीमिक इवेंट। इन जो है बेसिकली इन तीन बीमारियों के इन तीन कंडीशन में ये ड्रग्स जो है इसके लेने में एहतियात करना चाहिए। आगे डिस्कस करेंगे अल्फा वन ब्लॉकर जो है बेसिकली हमारे साथ कम कर देती है, किस चीज़ को कम कर देती है, आर्टेरियोलर और दूसरा वेनस रेजिस्टेंस इसको कम कर देती है। रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया में भी ये जो है एक रिजल्ट देती है, उसमें इंटरफेयर कर देती है। इसके तरह जो ड्रग्स यूज होती है अल्फा वन ब्लॉकर की फैमिली से हमारे साथ कौन सी है, जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है बेसिकली, उसमें से हमारे सबसे पहले जो हमारे साथ है प्रेजोसिन से, इसके साथ डोक्साजोसिन है, इसके साथ टीराजोसिन से, जो इसकी यूजेस है बेसिकली ये हमारे साथ यूज़ होती है हाइपरटेंशन में। इसके साथ साथ जो इसमें जो ब्लड प्रेशर रेट जो है ब्लड प्रेशर रेट जो है बेसिकली वो इसमें हमारे साथ डिक्रीज होती है, यूरिन की फ्रिक्वेंसी, और उसके साथ नॉक्टूरिया जो है भी वो डिक्रीज होते हैं, और उसके साथ जो यूरिन स्पिंचर की जो टोन्स है वो भी हमारे साथ क्या होती है, वो भी हमारे साथ डिक्रीज होती हैं। जो साइड इफेक्ट है बेसिकली फर्स्ट डोज जो है हमारे साथ कौन सी साइड इफेक्ट काज कर देती है, साइनोकोप और आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन यूरिनरी इन कॉन्टिनेंस। इसके साथ जो एडवांटेजेस है इस ड्रग्स के हमारे साथ कौन सी है, गुड इफेक्ट ऑन लिपिड प्रोफाइल,
बेसिकली एचडीएल की क्वांटिटी इंक्रीज कर देते हैं और एलडीएल को क्वांटिटी डिक्रीज कर देते हैं। आगे डिस्कस करेंगे अल्फा टू एगोनिस्ट। अल्फा टू एगोनिस्ट ड्रग जो है बेसिकली इसमें हमारे साथ क्लोनाइडिन और इसके साथ साथ मिथाइलो डोपा प्रो ड्रग्स जो है दोनों आते हैं। बेसिकली अल्फा जो टू जो है बेसिकली जारी रखते हैं किस चीज़ को, सिंपेथेटिक आउटफ्लो की डिक्रीज करने में, टेम्परेचर की डिक्रीज करने में, हार्ट रेट की डिक्रीज करने में। इसकी यूज़ है बेसिकली माइल्ड से लेकर मॉडरेट हाइपरटेंशन में यूज़ होती है। दूसरा ये हमारे साथ ओपिएट विड्रॉवल यानी क्लोनाइडिन कंडीशन में भी इसको यूज़ हम कर देते हैं। हाइपरटेंसिव मैनेजमेंट जो प्रेगनेंसी कंडीशन में होती है इसके लिए हम मिथाइलो डोपा ड्रग जो है बेसिकली यूज़ कर देते हैं। इसके जो साइड इफेक्ट है हमारे साथ क्या है, पॉजिटिव कॉम्स टेस्ट जो है टेस्ट, दूसरा मिथाइलो डोपा किस साइड इफेक्ट है, इसके साथ सीएनएस डिप्रेशन जो है बेसिकली इन दोनों के, और इसके साथ एडिमा जो है भी वो इन दोनों ड्रग्स की साइड इफेक्ट हैं। ड्रग्स इंटरेक्शन जो है इसका कौन से ड्रग्स के साथ जो इसका इंटरेक्शन है वो टेट्रासाइक्लिक एंटीडिप्रेशन के साथ जो कम कर देते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की जो इफेक्ट होती है बेसिकली अल्फा एगोनिस्ट के। इसके साथ साथ जो डायरेक्ट एक्टिंग वैसोडाइलेटर है वो उसमें हमारे साथ जो ड्रग्स एक्टिंग नाइट्रिक एसिड के थ्रू जो ड्रग्स एक्ट करते हैं उसमें सबसे पहले हमारे साथ है हाइड्रोलेजाइन जो है बेसिकली इसमें टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है, आर्टेरियोडाइलेशन जो है टेम्परेचर और डिक्रीज होता है आर्टेरियोडाइलेशन के थ्रू, और बेसिकली हम यूज़ कर देते हैं मॉडरेट से लेकर सीवियर हाइपरटेंशन की कंडीशन में। इसके जो साइड इफेक्ट है बेसिकली सबसे पहले साइड इफेक्ट जो है हमारे साथ एसएलई लाइक सिंड्रोम एंड दूसरा जो है बेसिकली कम कर देते हैं एसिटाइलेटर्स जो है एडिमा जो है रिफ्लेक्स टैचिकार्डिया जो है बेसिकली इसको कम कर देते हैं, और ये क्या है इसके साइड इफेक्ट हैं। आगे डिस्कस करेंगे जो नाइट्रो फ्लोरोसाइड है बेसिकली इसमें जो ये ड्रग जो है ये कम कर देती है टेम्परेचर को और किस चीज़ की हेल्प थ्रू डायलेशन ऑफ बोथ आर्टरियोल्स एंड वेन्यूल्स के थ्रू। दूसरा इसका जो यूज़ है बेसिकली हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज कंडीशन में ही इसको हम यूज़ कर देते हैं। इसके साइड इफेक्ट हमारे साथ कौन सी है, साइनाइड टॉक्सिसिटी है बेसिकली जो बेसिकली कॉज होती है को एडमिनिस्टर विद नाइट्राइट्स, और दूसरा जो थायलोसल्फाइड के साथ कॉन्टैक्ट में आने की, दूसरा जो ड्रग एक्टिंग ओपन पोटाशियम चैनल पर जो ड्रग्स एक्ट करते हैं हमारे साथ कौन सा है, वो मिनोऑक्साइडिल है, दूसरा डायऑक्साइड है। बेसिकली ये ओपन पोटाशियम चैनल पर एक्ट कर देते हैं और इसकी जो कॉजिंग इफेक्ट होती है वो हाइपरपोलराइजेशन होती है स्मूथ मसल की, ये रिजल्ट देती है आर्टेरियल वैसोडाइलेशन में भी। दूसरा इनका जो यूज़ है इंसुलिनोमा कंडीशन में हम डायऑक्साइड यूज़ कर देते हैं, सीवियर हाइपरटेंशन में हम मिनोऑक्साइडिल यूज़ कर देते हैं मिनोऑक्साइडिल, और ब्लेडनेस कंडीशन में हम टॉपिकल मिनोऑक्साइडिल यूज़ करते हैं। दूसरा जिनकी जो साइड इफेक्ट है हमारे साथ हाइपर ट्राइकोसिस है, इसके साथ साथ जो हाइपरग्लाइसीमिया है बेसिकली इस कंडीशन में हमारे साथ इंसुलिन डिक्रीज होते हैं और बेसिकली ये डायऑक्साइड ड्रग्स के थ्रू होते हैं। इस तरह का एडिमा जो है बेसिकली इनकी साइड इफेक्ट है, रिफ्लेक्स टैचिकार्डिया जो है बेसिकली भी इनके साइड इफेक्ट्स हैं। आगे डिस्कस करेंगे इंडिकेशन फॉर यूज ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स इन कोमोरबिड कंडीशन, जो एंजीना इंडिकेशन है बेसिकली इसमें हमारे इसमें हम बीटा ब्लॉकर CCBS देती है, जो डायबिटीज है इसमें हम ACELS देती है, दूसरा ARBS क्लास की देती है, जो हार्ट फेलियर है इसमें हम ACELS और ARBS बीटा ब्लॉकर ड्रग्स देते हैं, जो फोस्ट MI है उसमें हम बीटा ब्लॉकर, जो BPH है बेसिकली इसमें हमारे ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट जो है बेसिकली इसमें अल्फा ब्लॉकर, जो डीसेल फिडीमियस कंडीशन है बेसिकली अल्फा ब्लॉकर इस कंडीशन में देती है, इसके साथ साथ CCBS ACLS ARBS भी देती है, जो क्रोनिक किडनी डिजीज होती है बेसिकली इसमें हम ACLS देती है, और इसके साथ साथ जो ARBS क्लास के ड्रग्स है वो भी देती है। सो थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर योर अटेंशन, इफ़ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर विद अदर, थैंक यू फॉर योर अटेंशन।